हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है स्क्रॉटल एक्जिमा। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है, और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर स्क्रॉटल एक्जिमा क्या होता है? तो स्क्रॉटल एक्जिमा को डर्मेटाइटिस भी कहा जाता है। इस कंडीशन में ऐसा देखा जाता है कि पर्सन को स्क्रॉटल एरिया में बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, उनकी जो स्किन है वो ड्राई होने लग जाती है, वहाँ पे स्केल्स का फॉर्मेशन भी हो सकता है। स्क्रॉटल एक्जिमा एक नॉन कॉन्टेजियस कंडीशन है, मतलब ये कोई फैलने वाली बीमारी नहीं है। अगर ये किसी एक पर्सन को हुई है तो ये दूसरे पर्सन को कभी फैलती नहीं है। स्क्रॉटल एक्जिमा पर्सन को स्क्रॉटल एरिया में भी हो सकता है, इसके साथ ही साथ उन्हें सराउंडिंग एरिया में भी ये जा सकता है, जैसे कि उन्हें पीनिस में हो सकता है, उन्हें ग्रॉइन एरियाज़ में हो सकता है, थाइज़ एरिया में हो सकता है। इसके अलावा ये कंडीशन एनस के आसपास के स्किन में भी हो सकता है। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को स्क्रॉटल एक्जिमा हुआ है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो स्क्रॉटल एक्जिमा में भी सेम सिम्टम आते हैं जो पर्सन को नॉर्मल एक्जिमा में आता है। इसमें पर्सन की जो स्क्रॉटल स्किन है वहाँ पे उन्हें इंटेंस इचिंग होती है, बहुत सीवियर उन्हें इचिंग होने लग जाती है। इसके अलावा वहाँ के स्किन में ड्राइनेस हो सकती है, उन्हें सेंसिटिव स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसे पर्सन के स्किन में स्केल्स का फॉर्मेशन हो सकता है। इसके साथ ही साथ ऐसे पर्सन को इन्फ्लामेशन की कंप्लेंट भी हो सकती है, इनकी स्किन में डिस्कलरेशन हो सकता है, इनकी स्किन रफ हो सकती है, थिक हो सकती है, लेदरी हो सकती है। इसके अलावा ऐसे पर्सन को उस एरिया में स्वेलिंग भी हो सकती है, या फिर ऐसे पर्सन को सॉर फॉर्मेशन भी हो सकता है। अगर वो सीवियर इचिंग करे तो वहाँ पे क्रस्ट फॉर्म हो सकता है और पर्सन को सॉरनेस फील होने लग जाएगा। अगर किसी पर्सन ने बहुत सीवियरली इचिंग की है, बहुत ज़्यादा इचिंग की है, जिसके वजह से उनकी स्किन ओपन हो चुकी है या फिर वहाँ पे स्किन में उन्हें सॉर फॉर्मेशन हो चुका है, तो ऐसे पर्सन को और भी इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे कि उन्हें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है या फिर उन्हें फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा उन्हें उस स्क्रैच की हुई स्किन पे वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को स्क्रॉटल एक्जिमा होने का। तो इसका मेन इंपॉर्टेंट कॉज है जेनेटिक। अगर आपकी फैमिली में किसी को एक्जिमा है तो आपको होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ये फैमिली में रन करता है। इसके अलावा कई सारे इन्फेक्शन्स भी इसको ट्रिगर कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ था तो उसके बाद भी ये स्किन को इरिटेट करके वहाँ पे एक्जिमा को फॉर्म कर सकते हैं। कई सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, जैसे कि अगर वेदर चेंज होता है तब भी आपको एक्जिमा हो सकता है, स्पेशली ये सर्दियों के टाइम में हो सकता है, या फिर जब ड्राई और ह्यूमिड एनवायरमेंट होता है तब आपको ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा कई सारे एलर्जेंस भी है, जैसे कि कुछ केमिकल या फिर कोई डिटर्जेंट, कोई सोप आपकी स्किन को इरिटेट कर रहे हैं। कई बार प्रोटेक्शन के यूज़ के वजह से भी पर्सन को स्क्रॉटल एरिया में एक्जिमा हो सकता है। इसके अलावा स्ट्रेस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉज और रिस्क फैक्टर है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, एनजाइटी फील करते हैं, तब भी आपको स्किन में एक्जिमा हो सकता है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप एनाकार्डियम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप मेजेरियम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा आप रश्टॉक्स 30 मेडिसिन का भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन इस कंडीशन के लिए बहुत ही यूज़फुल है। आपको 4-4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर इस मेडिसिन को यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था स्क्रॉटल एक्जिमा। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है, और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।